नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार। आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय, आपदा प्रभावितों को बांटे 14 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए गए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने जिला के 2 बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्हें कुल 5.55 करोड़ की राशि जारी की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबों मालिकों को भी 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3.11 करोड़ रुपए जारी किए। आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि एक वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। पट्टा टूटने से अनियंत्रित बस मकान की छत पर चढ़ी, 5 घायल। नेशनल हाईवे 305 में तरगाली गांव के पास रविवार को एक बस अनियंत्रित होकर मकान की छत पर चढ़ गई। बस का मुख्य पट्टा टूटने से बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 5 सवारियां घायल हो गई। ओट से बंजार की तरफ जा रही निजी बस में 20 से 25 सवारियां थी। हादसे के बाद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि रविवार को ओट से एक निजी बस बंजार की तरफ निकली थी। दोपहर 12:45 पर जैसे ही बस तरगाली गांव में पहुंची तो बस का मुख्य पट्टा टूट गया। इससे बस अनियंत्रित होकर एक मकान की छत पर चढ़ गई। चालक ने सूझबूझ कर बस को लैंटर की ओर चढ़ा दिया। अगर बस सड़क से नीचे उतरती तो काफी अधिक नुकसान हो सकता था। अटल टनल से कुछ दूरी पर चलती कार में लगी आग, दिल्ली के सैलानियों ने बाहर निकल कर बचाई जान। मनाली लेह मार्ग पर अटल टनल रोहतांग से कुछ दूरी पर दिल्ली के पर्यटकों की चलती कार में अचानक आग लग गई। पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और वे गाड़ी रोककर तुरंत बाहर निकल आए। कार में एक बच्चे समेत 5 लोग सवार थे। ये सभी रविवार सुबह अटल टनल जा रहे थे। सोलंग नाला से आगे अटल टनल से कुछ दूरी पर करीब 10:30 पर कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मनाली अग्निशमन केंद्र से दमकल वाहन मौके को भेजे गए। अग्निशमन चौकी अटल टनल से भी एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। आग लगने के कारण 2 मोबाइल, 1 टैबलेट, 2 पैसों से भरे पर्स, 3 कपड़ों के बैग जलकर राख हो गए। कार्यकारी अग्निशमन अधिकारी प्रीतम ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर की थी हत्या, प्रेम प्रसंग की आशंका। पुलिस थाना खूंडिया चौकी लगडू के अंतर्गत गांव दोदरू में ट्रक चालक गुरदयाल की गला रेतकर निर्मम हत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों में प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। रविवार को दोनों को देहरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शुक्रवार रात मामले का पता चलने पर खूंडिया पुलिस और ज्वालामुखी के DSP विकास धीमान ने मामले की तफ्तीश शुरू की। शक के आधार पर शनिवार देर रात हत्या में संलिप्त दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ की गई। मृतक ट्रक चालक की पत्नी और पड़ोसी इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने खूंडिया थाने मामला दर्ज करके आरोपी पत्नी और पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। खराब मौसम के चलते पर्यटकों के लिए बंद किया गया रोहतांग दर्रा। खराब मौसम के चलते समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की साइट भी बंद कर दी गई है। हालांकि रोहतांग दर्रे को अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया है,
मौसम साफ होने पर फिर से पर्यटक यहां बर्फ का आनंद ले सकेंगे। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा और हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सुरंग में फंसे विशाल ने पिता से की बात, पूछा कब तक निकल पाएंगे बाहर। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढहने से अंदर फंसे 41 मजदूरों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वहीं परिजनों का अपनों से मिलने का इंतजार और लंबा हो रहा है। टनल में फंसे 41 मजदूरों में शामिल मंडी के बलघाटी के गांव बंगोट निवासी विशाल परिजनों के संपर्क में जरूर है, लेकिन परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह पिता धर्म सिंह से बातचीत करते हुए विशाल ने पूछा कि वह कब तक बाहर निकलेंगे। हालांकि उसने खुद को सुरक्षित बताया है। इस पर पिता ने उनके जल्द बाहर निकलने की जानकारी दी। जिगर के टुकड़े के टनल में 14 दिन से फंसे होने के कारण बल घाटी के बंगोट स्थित विशाल के घर में मां उर्मिला समेत अन्य परेशान हैं। हालांकि वीडियो और फोटो में विशाल के सुरक्षित दिखने से खुश थे और जल्द सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर खुदाई में आई अड़चन से परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। विशाल की मां उर्मिला ने कहा कि पहले रोजाना आजकल बाहर निकलने के बारे में बताया गया, अब खुदाई में कुछ अड़चनें बताई जा रही हैं। हिमाचल के डूबते पर्यटन कारोबार को व्हाइट क्रिसमस से आस, लुभावने पैकेज देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में डूबते पर्यटन कारोबार को अब व्हाइट क्रिसमस से आस है। कोरोना के बाद प्राकृतिक आपदा से पर्यटकों ने प्रदेश की वादियों का रुख करना कम कर दिया है। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए गए 2 गुना टैक्स के बाद सैलानियों की संख्या में कमी आई है। पर्यटन कारोबार फिर रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए पर्यटन व्यवसायी लुभावने पैकेज देने की तैयारी कर रहे हैं। बर्फबारी हुई तो हिमाचल के पर्यटन कारोबार में उछाल आने की उम्मीद है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में धीरे धीरे होटलों में एडवांस बुकिंग बढ़ने लगी है। हिमाचल के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में मिलेंगे टैबलेट, उपनिदेशकों को सौंपा आवंटन का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में टैबलेट मिलेंगे। राजधानी शिमला से मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते दिनों योजना का शुभारंभ कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जिलों को आवंटन के लिए टैबलेट की सप्लाई भेज दी है। जिला उपनिदेशकों को आवंटन का जिम्मा सौंपा गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मेधावियों को टैब देकर सम्मानित किया जाना है। वर्ष 2022-23 के मेधावियों के लिए योजना में सरकार बदलाव करने जा रही है। इन मेधावियों को टैबलेट या लैपटॉप की जगह नकद राशि देने की योजना है। वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। टैबलेट प्राप्त करने वाले प्रदेश के कुल 10,540 विद्यार्थियों में से 7,520 छात्राएं हैं। कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को लैपटॉप की जगह टैबलेट देने का फैसला लिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो यमराज आएंगे डिलीवरी लेने, परिवहन विभाग ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो डिलीवरी लेने खुद यमराज आएंगे। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर तैयार की गई वीडियो में शराब पीकर गाड़ी न चलाने का संदेश दिया गया है। वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति फेम, शिमला के अरुणोदय ने अभिनय किया है। शिमला में ही वीडियो शूट किया गया है। संदेश दिया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से किसी और को ना सही, लेकिन आपके परिवारजनों को जरूर फर्क पड़ेगा। रिश्तेदार आपकी 13वीं में आएंगे और स्वादिष्ट खाना खाकर लौट जाएंगे। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए वीडियो संदेश तैयार किया गया है। परिवहन विभाग के सोशल मीडिया पेज पर वीडियो जारी करने के महज 20 घंटों के भीतर ही यह हिमाचल के साथ साथ देश विदेश तक करीब 10,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। 250 से अधिक लोगों ने इसे शेयर किया है। कैसी थी चिंटू? पार्टी तो बहुत मस्त थी। गाड़ी में 4 बोतलें खत्म कर दी। अच्छा, तो फिर गाड़ी किसने चलाई? अरे चिंटू, मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मैं गाड़ी को उड़ाता हूँ, वो भी 120 की स्पीड से। अच्छा, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया, वो तो मैं बस अभी आप ही के घर से आ रहा था। मेरे घर से?
अरे भैया, आज आपकी तेरवी जो थी वहाँ पे सब लोगों को खाने पर बुलाया था। बहुत टेस्टी खाना था, मजा आ गया खाके। क्या बकवास कर रहा है, मैं कब मर गया? अरे भैया, पापा बता रहे थे कि 13 दिन पहले आप शराब पीकर गाड़ी चला, आप शराब पीकर गाड़ी उड़ा रहे थे, वो भी 120 की स्पीड पे, और आपका कार एक्सीडेंट हो गया था और आप वहाँ पर मर गए थे। अरे बैल बुद्धि, तूने फिर से गाड़ी घर की तरफ घुमा ली, सीधा यम लोग चल वरना गदा पड़ेगी सर पर। अरे प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव पुत्र। अरे महाराज, आप तो वही है ना जो कि लोगों की डिलीवरी लेने भैंसे पे आते हैं? हाँ, पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की डिलीवरी हम गाड़ी के साथ ही लेते हैं आजकल। वाह, चल भाई चल, और ये सीट बेल्ट लगा ले वरना परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड हमारा चालान कर देगी। देखो, अगर आप भी शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो हमें आपकी भी डिलीवरी लेने आना पड़ेगा, और आपके रिश्तेदार आपकी तेरी में स्वादिष्ट खाना खाने आएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके माँ बाप और बीवी बच्चों के। अपने बारे में ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचो कि आपके जाने के बाद वो कैसे और किस हाल में जिएंगे। इसलिए गाड़ी चलाते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपकी सावधानी ही आपके परिवार की खुशियों की चाबी है। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार, प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।